जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का नाम दिया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार इस एकादशी पर व्रत करने से साल भर की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल मिल जाता है। मैं प्रीति आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ आसान उपाय जिनसे करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति पूरे साल की एकादशी का व्रत नहीं कर सकता तो उसे निर्जला एकादशी का विशेष व्रत करना चाहिए और एक विशेष उपाय अपनाने चाहिए जिससे उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये उपाय कुछ इस तरीके से हैं। नंबर एक, सुबह जल्दी उठे, उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियां देखे, मंत्र बोले, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालें और स्नान करें। ऐसा करने से घर पर ही तीर्थ स्नान का फल मिल जाता है। तीसरा, स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं और मंत्र बोले ओम सूर्याय नमः। चौथा, किसी गरीब को या मंदिर में तिल वस्त्र धन फल और मिठाई दान करें। पांचवा, अगर संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान करते समय वरुण मंत्र बोले ओम वरुणाय नमः का जाप करें। छठा, इस दिन निर्जल रहकर व्रत करना चाहिए। निर्जल यानी बिना पानी का व्रत। अगर निर्जल व्रत नहीं कर सकते तो फलाहार दूध का सेवन भी कर सकते हैं। सातवां, इस तिथि पर स्नान के बाद घर के मंदिर में पूजा करें, पितरों के लिए तर्पण करें, किसी मंदिर में जाकर भगवान के सामने धूप दीप जलाएं, प्रसाद हार फूल केसर आदि चीजें चढ़ाएं। आठवां, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की भी विशेष पूजा करें, भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं, माता पार्वती को सुहाग की चीजें अर्पित करें। नौवां, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। पूजा में भगवान विष्णु की किसी भी कथा का पाठ करें, कथा जैसे रामायण सत्यनारायण की कथा विष्णु पुराण आदि। दसवां, किसी नजदीकी शिव मंदिर जाएं और भगवान को नारियल बिल्व फल सीताफल सुपारी मौसमी फल आदि चीजें चढ़ाएं। ग्यारहवां, निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं, इसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। तुलसी सहित खीर से भगवान विष्णु का भोग लगाने पर घर परिवार में शांति बनी रहती है। बारहवां, निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र फल अनाज अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के उपरांत इन चीजों का किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ऐसा करने से घर में भी कलेश नहीं होते। तेरहवां, निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पण करना चाहिए। पीपल में देवी लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस दिन यथाशक्ति अनुसार किसी ब्राह्मण या गरीब को दान कीजिए, जैसे पंखा कूलर वाटर कूलर मटके पानी का घड़ा आदि। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता की।